हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में। सो गाइस, पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एडवांस म्यूजिक थ्योरी पे, सो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है सो कार्ट में और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम कॉर्ड प्रोग्रेशन को बना सकते हैं उन एडवांस कॉर्ड्स की मदद से। सो पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको कॉर्ड प्रोग्रेशंस के बारे में बताया था, सो अगर आपने वो वीडियो भी चेकआउट नहीं करी है सो डिस्क्रिप्शन में और कार्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जल्दी से ओपन कर लेते हैं FL कीज को, बट उससे पहले ऐड करेंगे सैम्पलर चैनल को। एंड सैम्पलर चैनल पर जो मैं स्केल लूँगा वो लूँगा मैं डी मेजर। सो स्टैम्प पर जाएंगे मेजर एंड यहाँ पर डी, एंड उसके बाद इसको ऊपर ऑक्टेव पे कॉपी कर लेंगे एंड नीचे ऑक्टेव पे भी मैं कॉपी कर लूँगा इसको। सो यहाँ पे आ गया है हमारा घोस्ट नोट्स, हमारा स्केल। देन अब इसमें ऐड करते हैं FL कीज़ को। FL कीज़ को लेके जाएंगे पियानो रोल पे, एंड जो फॉर्मूला होता था एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने का वो होता था मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिश्ड। सो जल्दी से ड्रॉ करते हैं। सो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो कुछ इस टाइप का बना है, एक बारी सुनते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो पहले एक मेजर कॉर्ड आई है, देन उसके बाद माइनर कॉर्ड, देन उसके बाद अगेन माइनर कॉर्ड, देन उसके बाद मेजर, फिर से मेजर कॉर्ड, देन माइनर कॉर्ड, उसके बाद डिमिनिश कॉर्ड। सो यहाँ पे ये एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने का तरीका है या फॉर्मूला है, आप कुछ भी बोल सकते हो। एंड इस तरीके से अगर आप अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट करते हो सो काफ़ी अच्छे साउंड करते हैं। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, मेजर एंड माइनर से हमने इसको बना दिया है, मेजर एंड माइनर कॉर्ड से आई मीन। सो यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉर्ड्स बताई थी जो कि थी मेजर सेवेंथ, मेजर नाइन्थ, माइनर सेवेंथ, माइनर नाइन्थ। सो हम इसमें वही चीज़ ऐड करने वाले हैं। सो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पे मैं मेजर सेवेंथ ले लेता हूँ और अब सुनते हैं। सो यहाँ पे भी सेकेंड कॉर्ड पे मैं माइनर सेवेंथ ले लेता हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7, सुनते हैं। सो अब यहाँ पे ये जो कॉर्ड है काफी नीचे जा रही है, सो मैं सेवेंथ की जगह यहाँ पे माइनर नाइन्थ ले लूंगा। सो 5 6 7 8 9, सुनते हैं। सो आप सुन सकते हो कि जब हमने नाइन्थ और सेवेंथ कॉर्ड को यहाँ पे ऐड किया है सो एक जो वैरायटी है, रेंज है आपकी कॉर्ड्स की, वो बढ़ गई है। सो ऐसे ही हम नेक्स्ट कॉर्ड पे आते हैं जो कि है हमारे पास ए मेजर। सो इसमें हम सेवेंथ ऐड करते हैं 5 6 7, एंड इसी के साथ इसमें भी हम सेवेंथ ऐड करते हैं 5 6 7। देन यहां पे है ई माइनर, इसमें हम ऐड करेंगे नाइन्थ। सो 5 6 7 8 9, हम डिमिनिश कॉर्ड पे अभी नहीं जा रहे हैं, बट आप यहां पे देख सकते हो कि कितने इजीली हमने जो नॉर्मल हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन था, जो बिल्कुल साउंड कर रहा था एवरेज, उसमें हमने कैसे सेवेंथ और नाइन्थ कॉर्ड को ऐड करके कितना अच्छा एक साउंड बना लिया है। सो एक बारी अगर मैं यहाँ से डिमिनिश कॉर्ड हटाऊँ एंड इस पूरे कॉर्ड को मैं नीचे लेकर आऊँ और अब एक बारी सुनते हैं। सो जैसा कि आप सुन सकते हो अभी जो आपकी साउंड है वो काफ़ी भारी आ रही है, पियानोस जो है वो काफ़ी हैवी हो गए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं कॉर्ड इन्वर्जन। सो कॉर्ड इन्वर्जन एग्जैक्टली होता क्या है?
सो देखो आपका जो कॉर्ड्स है वो सेम ही रहेगा, लेकिन उसके जो कुछ नोट्स हैं वो हम ऊपर ऑक्टेव पे कर देंगे या फिर नीचे ऑक्टेव पे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एफ शार्प है, सो यहाँ पे जितने भी बीच वाले नोट्स हैं ना कॉर्ड के, उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड इसको मैं कर दूंगा एक ऑक्टेव ऊपर। अभी है एफ फोर पे फॉर एग्जाम्पल, सो यहाँ पे मैं कर दूंगा एफ फाइव पे। और अब सुनते हैं। सो जैसा कि आप सुन सकते हो यहाँ पे हमें साउंड काफ़ी अच्छा आ रहा है, जो वैरायटी है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ इस कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ एंड सेम मैं लूँगा कॉर्ड प्रोग्रेशन, उसमें सेवन्थ और नाइन्थ में वहाँ से रिमूव कर दूंगा एंड इन्वर्टेड कॉर्ड्स भी जो हैं वो भी मैं रिमूव कर दूंगा। सो वो बिल्कुल प्लेन लगेगी, एक बार ही सुन के देखते हैं। सो गाइज यहाँ पे ये नॉर्मल कॉर्ड्स हैं जो कि मैंने पहले ड्रॉ करी थी, देन उसके बाद जब मैंने नाइन्थ और सेवन्थ ऐड करे प्लस जो कॉर्ड्स हैं उसको इन्वर्ट करा, सो उसके बाद ये वाला पैटर्न है। सो एक बारी सुन के देखते हैं यहाँ पे। सो जैसा कि आप सुन सकते हो जब हमने सेवन्थ और नाइन्थ कॉर्ड को ऐड करा है एंड कॉर्ड्स इन्वर्ट करी हैं, सो हमारे को जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है उसमें एक एयर सी आ रही है, एक मतलब डेप्थ आ रही है, जो साउंड है वो काफ़ी वाइड साउंड कर रहा है। सो आप इसी तरीके से अपने कॉर्ड प्रोग्रेशंस को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो अगर आप एक न्यू म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हो। सो इस टाइप की अगर आप कॉर्ड्स यूज़ करोगे सो आपके जो साउंड्स हैं आपके ट्रैक हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे साउंड करेंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है या क्वेरीज है सो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझसे पूछ सकते हो, साथ में सजेशंस भी दे सकते हो कि मुझे और कौन सी वीडियोज़ बनानी चाहिए।